अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ओप्पो F7 वर्सेस वीवो V9। जी हाँ, ये है ओप्पो F7 एंड वीवो V9 और इसका बोके इफेक्ट, इसका बैकग्राउंड ब्लर कितना होता है पिक्चर लेने से, और सारे सेटिंग्स हम बैकग्राउंड ब्लर के रिलेटेड इस वीडियो में देखेंगे। होपफुली आपको हेल्प होगा। अगर है तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ओप्पो F5 से लेकर देखते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर कितना होता है और कैसे आप ब्लर कर सकते हैं, कौन से सेटिंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये है ओप्पो F7 का कैमरा यूजर इंटरफेस। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाया है कैमरा डिटेल सेटिंग्स, क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल है इस मोबाइल में, और वीवो V9 में भी क्या सेटिंग्स है, सारे वीडियोस बनाए, आप देख लीजिए मेरे चैनल पर। और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी देखिए, फ्लावर है, आइसोलेटेड फ्लावर। तो अभी हम देखेंगे कि इस फ्लावर पर टैप करके यहाँ पर एक डेप्थ इफेक्ट है। तो ओप्पो F7 में आपको डेप्थ इफेक्ट मिलता है, तो जस्ट एक बार टैप करना है आपको ताकि बैकग्राउंड को ब्लर कर सके, और थोड़ा क्लोजअप रहना है आपको सब्जेक्ट के पास। तो देखिए, जस्ट अभी हम इस पर फिर से टैप टू फोकस करेंगे और एक बार ऐसे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ऑटोमेटिकली HDR डिटेक्ट करके लिया है। तो अभी हम टेस्ट रिजल्ट फेयर रखने के लिए इसको ऑफ करेंगे HDR को। तो नॉर्मल मोड पे डेप्थ इफेक्ट ऑन करके टैप टू फोकस करके एक बार कैप्चर करके देखते हैं कि पिक्चर कैसे आया है, कितना ब्लर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिटेल्ड इमेजेस आता है ओप्पो F7 में, एंड यहां पर आप बैकग्राउंड देख सकते हैं बिल्कुल ब्लर हो चुका है। और अभी इससे हम वीवो V9 से कंपेयर करेंगे कि बैकग्राउंड ब्लर कितना होता है सिमिलर डेप्थ इफेक्ट का ऑप्शन यूज़ करके। तो ये है वीवो V9, जैसे कि आप देख सकते हैं सिमिलर सब्जेक्ट सिमिलर एंगल पर हूँ मैं एग्जैक्टली, और यहाँ पर HDR को ऑफ भी किया है वीवो V9 में। तो यहाँ पर इसमें डेप्थ इफेक्ट के तौर पर यहाँ पर पोर्ट्रेट बोके करके है, इसको एक बार आपको टैप करना है। सिमिलर डेप्थ इफेक्ट कैसे ओप्पो F7 में था वैसा ही वर्क होता है, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छी तरह से किया है, क्योंकि आप अपर्चर को चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड ब्लर का डेप्थ भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी हम F4.0 करके यहाँ पर है, तो F4.0 पर एक बार जस्ट टैप करके देखते हैं क्लिक करके कि कैसे पिक्चर आता है। तो सिर्फ पोर्ट्रेट बोके एनेबल्ड है, HDR ऑफ है। तो वीवो V9 में आप देखिए कि कैसे बहुत सारा बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर कर दिया है, और जो भी फोकस हम किए थे सब्जेक्ट पर वो फुल क्लैरिटी पर है। तो ऐसे आप यहाँ पर आफ्टर टेकिंग द पिक्चर, यानी अभी जब मैं क्लिक किया हूँ पिक्चर, तो जस्ट आप एक बार टैप करेंगे तो पोर्ट्रेट बोके करके है। आप बाद में भी कितना चाहिए उतना फोकस और कहां पर चाहिए वहां पर टैप टू फोकस एनेबल करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। तो ये है बोके इफेक्ट स्टार्टिंग। अभी देखिए वीवो V9 पर अगला सेटिंग, हम फेस ब्यूटी मोड पर जाएंगे। तो फेस ब्यूटी में ऑब्वियसली स्किन का ब्लर करने के लिए, स्किन का सॉफ्ट करने के लिए जो सेटिंग रहता है फेस ब्यूटी, इसको यूज़ करते हैं। उसी तरह यहाँ पर बोके इफेक्ट के लिए पोर्ट्रेट बैकग्राउंड ब्लर भी दिया है, तो इसको भी एनेबल्ड किया है अभी। तो फेस ब्यूटी पर है, यहाँ पर लेवल 6 को हम निकाल के लेवल 1 पर रखेंगे इसको, ताकि बहुत ही स्मूथ ना हो ये पेटल्स। तो अभी एक टैप टू फोकस फिर से है, F4.0 पर कैप्चर कर रहे हैं। अभी मैं F4.0 चेंज करके F2.8 रखता हूँ, ताकि हम देख सकें कि कितना बैकग्राउंड ब्लर होता है। चलिए कैप्चर करते हैं अभी इसको। तो कैप्चर हो चुका है। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल जो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब है, बैकग्राउंड टोटल सब ब्लर हो चुका है। तो वीवो V9 में बहुत ही अच्छी तरह से ब्लर कर सकते हैं बैकग्राउंड को, सब्जेक्ट को आइसोलेट करके। तो उसी तरह अभी ओप्पो F7 में कंपेयर करेंगे, ओप्पो F7 मोबाइल से कैप्चर करके देखेंगे फेस ब्यूटी विथ पोर्ट्रेट बोके ऑन। तो ये है ओप्पो F7, और जैसे कि ऑलरेडी हमने डेप्थ इफेक्ट को ऑन करके फोटो मोड पर कैप्चर किया है, तो वीवो V9 में कैसे फेस ब्यूटी का सेपरेट मोड था वैसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है ओप्पो F7 में। अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ पर ब्यूटी लेवल चेंज करने के लिए बस यहीं पर एक मिलता है, और लेवल्स है ढेर सारे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो अपने आप ब्लर कर देगा। तो अभी हम इसको जैसे वहाँ पर 1 रखे थे ब्यूटी मोड, तो सेम 1 यहाँ पर रख के डेप्थ इफेक्ट ऑन है फिर से। तो फिर से एक बार जस्ट टैप टू फोकस करके हम कैप्चर करेंगे अभी। तो ये रहा पिक्चर, और इन कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि ओप्पो F7 इतना भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं करता है जितना कि वीवो V9। और आपको वीवो V9 में ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस है अगर आप बैकग्राउंड को पर्टिकुलरली ब्लर करना चाहते हैं। इवन आफ्टर टेकिंग द पिक्चर आप ब्लर कर सकते हैं,
वीवो V9 में, तो अनफॉर्चुनेटली ओप्पो F7 में ऐसा नहीं, लेकिन ओप्पो F7 में डिटेल्ड इमेजेस ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू वीवो V9। थोड़ा वीवो V9 में मुझे सॉफ्ट इमेजेस लगे, तो ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है। होपफुली आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, कंपेरिजन में आपको पता चला होगा कि कौन सा आपको ख़रीदना है मोबाइल। तो ओप्पो F7 अगर आप लेना चाहते हैं तो लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा है, स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए भी। अगर आप वीवो V9 लेते हैं तो बैकग्राउंड ब्लर पोर्ट्रेट बोके यूज़ करने के लिए बिल्कुल बहुत यूज़ होता है वीवो V9। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा आपको, तो सब्सक्राइब करके बने रहिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।